हेलो फ्रेंड, कोटलिन ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम जानेंगे कोटलिन के टाइप कन्वर्जन के बारे में, और मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इन कोटलिन। तो ये क्यों दिया है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो कैसे कोटलिन, आपने जावा वगैरह, जावा देखा है, जावा पढ़ा होगा, सी वगैरह पढ़ा होगा। तो जो जावा में होता है कि कोट टाइप जो कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, उसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं। बट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन सिर्फ कोटलिन में सिर्फ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही होता है, मतलब टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होता है, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर एक प्रोग्राम देख सकते हैं कि वेयर ए फाइल वेयर बी स्ट्रिंग इक्वल टू ए, तो ये जो कन्वर्जन हुआ है, तो ये अगर ऐसा हम जावा में ऐसा टाइप का लिखते हैं, बनाते हैं, तो ये सही होगा, एरर नहीं होगा। बट कोटलिन में एरर है, क्योंकि यहाँ पर कोटलिन में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ही होता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि हमें टाइप को कन्वर्जन, डाटा टाइप जो होता है उसको हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। ऑटोमेटिक लैंग्वेज जो होता है वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं करता है, इसलिए हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वायर ए इक्वल टू फाइव है, वायर बी कैरेक्टर ए डॉट टू कैर, तो ये टू कैर ये फंक्शन है ये कन्वर्ट करने के लिए जो कोटलिन में यूज़ होते हैं। तो ये अब ये करेक्ट है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो फंक्शन में टाइप डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो टू बाइट जो फंक्शन है उससे हम बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा को। टू शॉर्ट लिखा है उससे हम टू शॉर्ट में कर सकते हैं। टू इंट लिखा है, टू इंट फंक्शन से हम टू इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू लॉन्ग है इसे लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू फ्लोट है तो इसे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू डबल्स है तो डबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कैर, टू कैर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने एडिटर में आ गया हूँ, ऑनलाइन कोटलिन ऑनलाइन एडिटर में हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, आप देखिए। फंक्शन मेन आर्गुमेंट अरे स्ट्रिंग वेरिएबल वेर बनाया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है वेर सी एच लिया हुआ है, और ये ए डाला हूँ, ए असाइन के लिए ए वैल्यू डाल दिया मैंने सी एच में। फिर इफ सी एच इक्वल टू 97 तो प्रिंट एलन कर दिया। तो ये हम रन करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि इरर हो रहा है, ये कर रहा है सी एच इक्वल टू रन कर रहे हैं, तो क्या ए में सी एच में हम ये 97 इंट वैल्यू डाल रहे हैं, ये कैरेक्टर वैल्यू है, ए कैरेक्टर वैल्यू है, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें हम कैरेक्टर इंट टाइप का वैल्यू डाल रहे हैं, 97 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इरर आ रहा है। ये देख सकते हैं कैन नॉट बी अप्लाइड टू कैर एंड इंट, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इरर में 87 ऑपरेटर्स इक्वल टू कैन नॉट बी अप्लाइड टू कैरेक्टर एंड इंट, ये हमारा जो डेटा है कैर है, अब ये इंट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है। तो हमने पिछले पढ़ा था कि जो हमने वो पढ़ा था फंक्शन है, तो हम इसको कैर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सही हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बस सिंपल डॉट करना है और ए टू जो कैर जो फंक्शन है ये हमें लगा देना है, ये टू कैर। यहाँ पे डायरेक्ट हमने वेरिएबल्स में डॉट टू कैर लगा दिया, आप तो जहाँ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमने डॉट टू कैर लगा दिया, तो ये जो 97 जो इंट डेटा है, इंट टाइप का डेटा है, वो कैरेक्टर में चेंज हो गया। तो अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो एरर्स आ रहे थे, ये यहाँ पे जो एरर्स आ रहे थे कैरेक्टर और इंट में कैनॉट कंपेयर कर पा रहा था, ये अभी सही हो जाएगा और ये कंपेयर कर पाएगा, ओनली सिर्फ टू कैर जैसे फंक्शन है। अब अगर ये सी एच कैरेक्टर लिया है तो अगर बाइट टाइप का होता तो टू बाइट, या इंट टाइप का होता अगर टू इंट, या कैट लॉन्ग टाइप का होता टू लॉन्ग, ये सब हमें यूज करना पड़ता। तो हम रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपाइल कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो ऐसे कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा होता है उसको हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है हम उसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते कोटलिन में। ये आपको ध्यान में रखना है कि इंट को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम जो कैरेक्टर होता है या स्ट्रिंग होता है उसको हम इंट में
कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।